जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है कल के लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट दिन हमारे सामने कल के दिन जो है वो निकल के आ रहा है, और उसका इम्पैक्ट किस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलेगा हमारे बाज़ार के ऊपर। ग्लोबल मार्केट्स में क्या पूरी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो बहुत दिनों बाद 4.00 के लेवल के ऊपर निकली हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिल सकता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कल जब मैंने आप लोगों के सामने वीडियो रखी थी और उसमें कुछ बातें कही थी, स्पेशली इलेक्शन को लेकर, तो हो सकता है कुछ चीज़ों से कुछ लोग इत्तेफाक नहीं रखते हो, बट मेरा काम है आप लोगों के सामने जितना हो सके, जितना मैं समझ पाता हूँ मार्केट को, वो ऑनेस्टली आप लोगों के सामने रखना। और आज के दिन जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक अच्छा सेल ऑफ हमें देखने को मिलेगा हायर लेवल से, फर्स्ट हाफ में पहले तो मिड कैप बहुत बुरी तरीके से टूटे, जिसका अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया था। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 96,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, हम आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने को मिल ही रहा है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने डिस्कस करी थी कि फर्स्ट हाफ में मिड कैप्स और सेकेंड हाफ में निफ्टी, इस चीज़ को लेकर जो है अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर दे दिया था। तो इस तरीके की अपडेट्स, सेटअप्स वगैरह आपको चाहिए होते हैं, आप फ्री ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो क्लियर कट था, अगर एग्जिट पोल्स में इतनी क्लियर कट मेजॉरिटी कांग्रेस की दोनों स्टेट्स में दिखाएंगे तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करेगा बाज़ार के ऊपर, क्योंकि बाज़ार को प्रीमियम मिला हुआ था प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो स्टेबल गवर्नमेंट थी उसका। अब जब आप कमज़ोर होगे, आपके हाथ से स्टेट निकलेंगे, तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी के जितने भी पार्टनर्स हैं, कोएलिशन पार्टनर्स हैं, वो अपनी डिमांड्स जो हैं वो सेंटर गवर्नमेंट के सामने रखना स्टार्ट करेंगे, और वो अपर हैंड लेने की कोशिश करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग हैंड दिखाने की कोशिश करेंगे, जस्ट बिकॉज जो सेंटर वाली गवर्नमेंट है अब उसके पास उतनी ताकत नहीं होगी, उतनी जो है वो परचेजिंग पावर नहीं होगी, सिंपल टर्म्स में अगर हम समझे तो। तो ये चीज़ अपने को थोड़ा ध्यान में रख के चलनी थी। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज़ी वॉलेटाइल था, आज के दिन में एक बार के लिए 1000 पॉइंट की रिकवरी करता है, फिर 1000 पॉइंट गिर जाता है। ये 4 आवर की टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ मैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर मैं आपको लगा के दिखा दूँ, लगभग 50,300 से ये 51,500 गया, ठीक है, 1200 पॉइंट की रिकवरी, और उसके बाद वहीं से वापस जो है ये 50,400 आ गया। तो बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी बैंक्स में हमें देखने को मिली, बट निफ्टी में इस तरीके का कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं था, सिंपल था, नीचे गिर रहा था, हर बाउंस पे सेलिंग हमें आती हुई दिखाई दे रही थी। अब कल क्या, सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में है कि कल के लिए हम लोग क्या व्यू लेके चल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कल जो सबसे बड़ा इवेंट है, एक तो इस हफ्ते US का इन्फ्लेशन डेटा आना है, उसके बाद RBI की पॉलिसी आनी है, और कल जो है सबसे पहले रिजल्ट आने हैं इलेक्शन के। अब इलेक्शन रिजल्ट में क्या हो सकता है, इलेक्शन रिजल्ट में एग्जिट पोल के मुताबिक रिजल्ट आ सकते हैं, नतीजे आ सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से अब काफ़ी हद तक प्राइस में है। तो इलेक्शन में कल सुबह अगर आपको दोनों जगहों पे कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई देती है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली बाज़ार उसको रिएक्शन नहीं देगा। बाज़ार रिएक्शन कब दे सकता है कि अगर BJP एक भी स्टेट में अपनी गवर्नमेंट अगर बनाती है तो देयर कैन बी अ माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम द शॉर्ट्स। यहाँ पे मैं शॉर्ट कवरिंग की बात नहीं कर रहा, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट्स की तरफ से हो सकती है, उसके चक्कर में एक अपमूव हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तीसरा सिनेरियो होगा कि अगर एग्जिट पोल के विपरीत नतीजे आते हैं और BJP दोनों स्टेट्स में अपनी गवर्नमेंट जो है वो बनाने में कामयाब रहती है तो एक शॉर्ट स्क्वीज़ का सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, और वो शॉर्ट स्क्वीज़ हमें RBI पॉलिसी तक लेके जा सकता है, जो कि वेडनेसडे को है। तो एक बड़ा ट्रिगर कल के दिन रहेगा, और ये ट्रिगर हमें 2 से 3 दिन, एटलीस्ट 2 दिन तो जो है वो ज़रूर डिक्टेट करेगा, क्योंकि RBI पॉलिसी, फिर US का CPI डेटा, उससे पहले तक हम लोगों को एक क्लियर ट्रेंड उसी साइड मिलेगा जिस साइड कल जो है इन दो स्टेट्स के रिजल्ट्स जो हैं हम लोग को इम्पैक्ट करते हुए दिखाई देंगे।
तो हम लोग कैसे प्लान करेंगे? देखिए, चार्ट्स के ऊपर हम लोग आते हैं, ये थो थ्योरेटिकल बातें हो गई। इस वक्त अगर हम डाओ को देखते हैं, 200 पॉइंट नीचे, नैसडैक 125 पॉइंट नीचे, यूरोप आधा परसेंट के आसपास नीचे है, एशिया में ज़बरदस्त तेज़ी थी, हैंगसेंग 2-3% ऊपर था, बट जो निकेई के फ्यूचर्स हैं वो 500 पॉइंट अभी नीचे कारोबार कर रहे हैं। इंट्राडे में स्ट्रेंथ उनके पास भी थी, तो ये चीज़ क्लियर कट अभी बनी हुई है। और कल से चाइना के मार्केट, शांघाई कॉम्पोजिट जो उनका मार्केट है, वो भी ओपन हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी अपने को थोड़ा ध्यान रखना है कि जो FIs का चाइना में जाने का सिलसिला है वो कंटिन्यू रहता है, या फिर जितना माल निकालना था उन्हें चाइनीज़ मार्केट में लगाने के लिए उतना वो निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास अगर एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो हमें फोकस में रखना है निफ्टी के लिए, वो लेवल है लगभग 24,700 का। 24,700 से लेकर 690, ये हमारे लिए पहला एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा जिसके ऊपर अपने को ध्यान रखना है। अगर 24,690, 24,700 के लेवल्स को हम लोग ब्रीच करते हैं ऑन द डाउन साइड में, तो एक फर्दर सेल ऑफ जो है वो ट्रिगर हो सकता है, और ये फर्दर सेल ऑफ मोस्ट प्रोबेबली हमें लगभग 24,490 की तरफ लेके आएगा। लगभग 200 पॉइंट का फॉल और हमें देखने को मिल जाएगा। ऑन द अपसाइड में अगर अपने को फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए, तो अपने को चाहिए निफ्टी जो है 24,925-930 के ऊपर सस्टेन करे। तो 24,930-925 पहला साइन होगा स्ट्रेंथ का। अगर बाजार 24,930-925 के ऊपर सस्टेन करता है, वो पहला साइन होगा स्ट्रेंथ का, और उसके बाद हम लोग को एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है, जो कि 25,100 से लेकर 25,000 लगभग 225 की तरफ जो है हम लोगों को निफ्टी एक बार लेके जाएगा। बैंक की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, बैंक निफ्टी एक बहुत क्यूरियस केस है और बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी के साथ इस वक्त आज के दिन इसने कारोबार किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सारी ड्राइंग्स को एक बार रिमूव करेंगे, हम लोग इसकी आखिरी जो रेंज है जो इसने बनाई है इसको मार्क कर लेंगे। आखिरी रेंज इसने क्या बनाई है, इसने बनाई है हायर पॉइंट 50,850, लोअर पॉइंट 50,250। तो अगर कल के दिन अगर आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है, तो 50,850 के ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग अपसाइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 200 से 300 पॉइंट्स, और डाउन साइड में अगर 50,200 से लेकर 250 का लेवल ब्रीच करता है तो लगभग 50,000 और उसके बाद 49,800 तक के टारगेट हम लोग प्लान करेंगे। और अगर इस रेंज में रहता है अवॉइड करेंगे, क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी ट्रेंडिंग हो चुके हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि कल जो है वो ट्रेंड अपने को ना मिले अगर डाउनसाइड की तरफ ही मार्केट का डायरेक्शन रहता है तो। बट अगर एग्जिट पोल के विपरीत कुछ नतीजे आते हैं और उस वजह से हम लोगों को कुछ रिकवरी देखने को मिलती है, देन सिचुएशन अलग हो सकती है। निफ्टी फाइनेंस की हम लोग बात करते हैं, इसमें भी सिमिलर चीज़ करेंगे, आखिरी जो घंटे की रेंज है इसको मार्क करना बहुत क्रिटिकल है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 23,375 अपसाइड में, 23,100-125 ऑन द डाउन साइड में। जब तक निफ्टी फाइनेंस इस रेंज को कहीं भी ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट नहीं करता है, तब तक हम लोग एग्रेसिव पोजीशन कल के दिन नहीं बनाएंगे। क्योंकि अगर मार्केट 2 से 3 दिन से अगर ट्रेंड दे रहा है, देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि कल के दिन मार्केट साइडवेज रहेगा अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ बाजार में नहीं आती है। तो पॉजिटिव न्यूज़ इन द सेंस ऑफ, देखो इसराइल और वहाँ से तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ नहीं सकती। पॉजिटिव न्यूज़ क्या आएगी कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो स्टेबिलिटी के साथ राज कर पाए, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ बाजार के लिए आ सकती है। अगर ऐसा नहीं आता है तो डेफिनेटली बाजार जो है हो सकता है हॉल्ट ले, वॉलेटाइल हो, थोड़ा साइडवेज हो, देन जो है ट्रेंड का दोबारा से एक आरंभ जो है डाउनसाइड का क्लियर हो सकता है। बट 23,350-375 इसके ऊपर निकलता है लॉन्ग का हम लोग प्लान कर सकते हैं, 23,100-125 इसके नीचे निकलता है डाउनसाइड का हम प्लान करेंगे, लगभग 150 पॉइंट के अपसाइड और 150 पॉइंट के डाउनसाइड के टारगेट के लिए ब्रेकआउट ऑफ दिस रेंज हम लोग प्लान कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।